नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मिथुन राशि वालों, आपका वीडियो आ गया है जुलाई महीने का। आप जानना चाह रहे होंगे कि प्यार या धोखा, जो ये टाइटल है, इसके अंदर क्या है, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या धोखा देने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा और कार्ड मिक्स करते हुए मैं आपको बताऊँगी कि इस वीडियो में खाली प्यार और रिलेशनशिप के बारे में नहीं, आपके कैरियर के बारे में, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप किसी परेशानी में, कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हैं, आपकी सेहत का मामला है, सरकारी जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है, आप कोई आर्टिस्ट हैं, एग्रीकल्चर में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और अंत में एंजल गाइडेंस होगा, उसके बाद यस और नो का कार्ड भी निकाला जाएगा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि हमारे जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी जुलाई महीने में कैसी एनर्जी रहेगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, हमें गाइडेंस दीजिए, बताइए कि मिथुन राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों की एनर्जी, जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों की एनर्जी, जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों की एनर्जी। ओह गजब, जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों की एनर्जी। देखिए भाई, आप लंबे टाइम से किसी बड़ी परेशानी में जूझते हुए चले आ रहे थे, लेकिन मामला क्या है कि स्ट्रेंथ आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ दी है डिवाइन ने कि देखिए ये औरत खड़ी है, शेर के मुंह में हाथ लगा रखा है, कोई डर नहीं है, ऊपर ये टियारा बना जो दिखाता है कि डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर, शेर दुम दबा कर खड़ा हुआ है, येलो कलर पॉजिटिविटी को दिखाता है, अबेंडेंस को दिखाता है। तो आपके अंदर इतनी करेज है, इतनी पावर है कि जहाँ भी हाथ लगा दें उसे आप कर ही सकते हैं। तो देखिए ये कार्ड यहाँ पर दिखाता है, इस पूरे जुलाई महीने में आप लंबे टाइम से कुछ संघर्ष करते हुए चले जा रहे हैं, धोखा खाया, परेशानियाँ देखी, सब कुछ देखा, तो रिलेशनशिप के मामले में धोखे खा खा के अब आप मजबूत बनकर खड़े हो गए कि भाई तलवारें टूट गई लड़ते लड़ते, अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, अब मुझे संभाल कर चलना है, आपको चाहिए न्याय। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका हो सकता है डिवोर्स का मैटर हुआ है, अलगाव की स्थिति आई है, या आप दोनों में झगड़ा हो गया है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है। जुलाई महीने में कुछ उठा पटक की एनर्जी यहाँ पर भरपूर दिखाई दे रही, पर ये नहीं कहूँगी ये गलत के लिए हो रहा है। यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जस्टिस, तो डिवाइन कुछ बेहतर आपके लिए करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की एनर्जी आ रही, द टावर मूवमेंट है, लड़ाई झगड़ा बवाल हो रहा है, या आपके साथ एक्सीडेंट का कोई मैटर है, कार में ड्राइव कर रहे हैं संभाल के चलिए, आग लगने का कोई खतरा हो सकता है, इस तरह की चीज़ों से आपको बचकर चलना है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ अंत दिखाई दे रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी दुर्घटना को लेकर, लेकिन जैसे उठापटक आपने रिलेशनशिप में देखी है तो ये लड़ाई झगड़ा होगा और किसी रिलेशन में किसी चीज़ का अंत हो जाएगा, किसी रिश्ते में आप अंत करने वाले हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये ऐसे होता तो आप रिश्ते में जकड़े हुए थे, उससे निकल नहीं पा रहे थे। हैंगमैन रिवर्स का कार्ड आया जो दिखाता है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, अगर बोलने में कोई थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आए, फंबल आए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे टीथ का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, तो अगर कहीं पर थोड़ा सा फंबलिंग हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, पहले से ही एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स की एनर्जी आई हुई है, तो आप इस जुलाई महीने में लड़ाई झगड़ा होगा, किसी रिश्ते का अंत हो सकता है, आप किसी चीज़ से झमेले से बाहर निकल सकते हैं और आप तनकर खड़े हो जाएंगे महीने के लास्ट में कि भाई अब मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं करना, बहुत हो गया, ठीक है, और डिवाइन आपको न्याय की तरफ ले जाएंगे और आपके अंदर स्वयं में इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिथुन राशि वालों, ये तो थी इस तरह की एनर्जी आपकी। अब हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जहाँ आपका झगड़ा हो गया, जो चीज़ें चल रही हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी। थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए भैया, ये तो बड़ा आप एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप तन के खड़े हैं वैसे उनको भी लग रहा है, तो वो भी बड़ा एकदम बाउंड्री लाइन बनाकर खड़े हो गए हैं कि भाई अब हम सीधे सीधे ऐसे नहीं सुनने वाले, ठीक है। थोड़ी तोतों की आवाज़ बीच में आ रही है, शाम का समय है और काफ़ी तोते मेरी विंडो पे आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। और देखिए आपके जो पर्सन है वो भी अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं और हैं भी, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एकदम वही सारे कार्ड आए हैं।
एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, और नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। इन जमीनों से दूर हट के लड़ाई झगड़ा हुआ है, प्रॉब्लम हुई है तो अंत कर दिया, पहले बहुत कुछ उनके जीवन में हो चुका है, वो बराबर धरातल पर आ गए हैं, तो उनके मन में कोई डर है, शंकाएँ हैं, इसके लिए उन्होंने बाउंड्री बना ली है और वो अब इस चीज़ से बचकर रहना चाहते हैं। वो भी अपने जीवन में न्याय चाहते हैं। तो मैंने कहा ना कि कुछ लोगों में हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का मामला हो, अलगाव की स्थिति आ जाए आप लोगों में, तो न्याय मिले। देखिए साफ साफ यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही, कुछ लोगों ने उनका दिमाग भी भरा है, बहलाया फुसलाया, ऐसी चीज़ें हैं। तो आपके लिए भी उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी की बातों में आ गए हैं, किसी के पढ़ाने में आ गए हैं, या आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपने इतनी सारी अलगाव की स्थितियाँ लाई हैं, झगड़े किए हैं, प्रॉब्लम्स किए। तो देखिए यहाँ पर मुझे दोनों ही धोखा देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन यहाँ पर आपको धोखा दे रही है, वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति वक्त यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें से धोखेबाज तो कोई भी नहीं है, प्यार दिल में है पर थोड़ी तकरार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं रिलेशनशिप के मामले में, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं रिलेशनशिप के मामले में। देखिए आप दो दो चीज़ों को जगलिंग कर रहे हैं और आप किसी को खोना भी नहीं चाहते, आप अंदर से बहुत गहरा प्रेम महसूस करते हैं, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही करते रहिए। डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ में और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, डिवाइन यही कह रहे हैं, लड़ाई झगड़े बवाल ज़्यादा मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को खोएं मत, तो आप बहुत सारी बातें भी छुपा कर बैठे हैं जिसमें शायद आपको क्लियरिटी लाने की ज़रूरत होगी, आपको इस मामले में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत होगी। हे स्प्रिट गाइड एंजल्स, अगर किसी का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, रिलेशनशिप का मैटर है, हस्बैंड वाइफ में तलाक का मामला है, तो यहाँ पर एनर्जी देखूँगी। तो देखिए बहुत टाइम से आप पीछे पड़े हुए थे कि चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, या वो पीछे पड़े थे। देखिए लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड दिखाता है प्यार तो था लेकिन सिचुएशन गड़बड़ हो गई, इसमें से कोई थर्ड पार्टी में था, दो जगह पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, और इधर भी थर्ड पार्टी मुझे लगता है, दोनों ही साइड थर्ड पार्टी का मामला था, और ये रिश्ता मुझे लगता है जुलाई महीने में, जैसे पहले भी डेथ कार्ड आया था, तो अगर कोई ऐसा मामला है तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, तलाक होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम से इस मामले में पीछे पड़े थे पर कुछ हो नहीं पा रहा था, एक इग्नोर कर रहा था, तो चलिए ख़त्म ही होने दीजिए, जो डेस्टिनी में लिखा है वो कर ही रहेगा। ये सबके लिए नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि जितने लोग मिथुन राशि वाले दिखाई देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो, उनका तलाक हो जाएगा, अलग अलग एनर्जी है, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है, ज़्यादा परसेंटेज जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है, और तरह की भी एनर्जी है, कुछ लोगों में सिर्फ सेपरेशन हुआ होगा। चलिए मैं देखूँगी जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी होगी, देखिए आप शुरुआत में, महीने की शुरुआत में धोखा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर आप बैलेंस होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और बाद में पॉजिटिविटी के साथ कुछ प्रोजेक्ट, कुछ काम, कुछ चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत अंधेरों में थे, परेशानियों में थे, तो अब जुलाई महीने में आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, खुशियाँ मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं, आपको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है कि बहुत जगह पर आप कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था काम, तो अब हो सकता है, लेकिन महीने की शुरुआत में ये धक्का लगेगा आपको। चलिए देखती हूँ आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली तो देखिए हेल्थ के मामले में वैसे पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े बवाल में पड़ेंगे तो मेंटल स्ट्रेस आपको होने वाली है, आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ, तो भाई तबीयत का ध्यान दे लो, है ना, सॉरी बीच में थोड़ी दिक्कत हो रही, तबीयत का ध्यान आप दे लीजिए, है ना, सिर्फ अपने मन की मत कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है, लोग अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हेल्थ में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मेंटल हेल्थ संभाल कर चलिए। जो लोग एग्रीकल्चर में हैं, खेतीबाड़ी करते हैं किसी तरीके की, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, देखिए वैसे तो आपकी सुख सुविधा किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन काम के मामले में
कोई ना कोई बहुत ज़्यादा बर्डन आप महसूस करेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बोझ है आपके सर पे, उसको लेकर चलने से आपको थकान हो रही है, दिक्कत आ रही है, ठीक है। द हर्मिट कार्ड दिखाता है कि ये समय थोड़ा परेशानियों भरा है, उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं, दिक्कत देख सकते हैं, कहीं पर भी ज़्यादा पैसे ना खर्च कर दें, पैसे को आप संभाल कर चलेंगे, और हो सकता है कहीं ऐसी बात आए जहाँ खेतीबाड़ी है, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है, तो कुछ लोगों से मिलजुल कर आप सपोर्ट करके, बातचीत करके, विचार विमर्श करके आगे बढ़िए। थोड़ा सा इस महीने में एनर्जी थोड़े उतार चढ़ाव, थोड़ी सी परेशानियों वाली दिखाई दे रही है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़े किसी काम में हैं, उनकी एनर्जी, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़े किसी काम में हैं उनकी एनर्जी, तो देखिए आपको भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुराने टाइम में ये लग रहा है कि पहले आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, मनी मैटर के मामले में मामला फंस गया था और उसके बाद आपने धोखा खाया है, लेकिन अब आपको जुलाई महीने में काफ़ी सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे, आपको ऑफ़र मिलेगा, ठीक है, और डिवाइन का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, आपका काम पॉजिटिविटी के साथ होगा, काम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी भी देखिए, ये फिश लक्ष्मी जी को दिखाती है, ठीक है, लेकिन कहीं पर अगर पहले से आपका पैसा वगैरह अटका हुआ है, तो महीने की शुरुआत में जुलाई में कुछ मनी क्राइसिस दिखाई दे रही, किसी के पीछे आप पड़े हुए हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मामला सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है, तो महीने की शुरुआत में थोड़ी दिक्कत है, बाद में जाकर सिचुएशन आपके हाथ में आ जाएगी। जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी स्टक, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके, देखिए सरकारी जॉब आपको मिल सकती है, संभावनाएं अच्छी दिखाई, आगे चलकर मिल सकती है आपको सरकारी जॉब, लेकिन यहाँ पर आप बहुत जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिसीज़न नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ दिक्कत है। वैसे देखिए यहाँ पर एक बड़ा पद प्रतिष्ठा पैसा आपको मिल सकता है, एस ऑफ पेंटिकल भी यही दिखाता है कि एक बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है, बड़ी जगह मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आत्मा को ऐसे जकड़े रहेंगे, तो जाइए सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाइए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए, ठीक है, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, आपको दो हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे, जो अच्छा लगे उसमें से आप वहाँ पर कर सकते हैं। इससे जब आप बाहर निकलेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, देखिए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, एक तरफ आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ आप जकड़े हुए हैं, इससे निकलिए फिर आप इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जुलाई महीने में थोड़ी स्टक एनर्जी है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। हे स्प्रिट गाइडेंस, लोग जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में हैं, उनकी सिचुएशन, प्राइवेट सेक्टर वालों की एनर्जी देखिए, पिछले टाइम में आप थोड़ा उदास निराश हो रहे थे, सारी लोग खुश थे, आपको लग रहा था कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, कुछ मनन चिंतन कर रहे हैं, टेंशन में हैं, लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश की थी आपने, लेकिन अब जाकर सिचुएशन ये है कि लड़ते भिड़ते, धोखा खाते, परेशानियां देखते, पीठ पीछे लोगों ने धोखे दिए हैं, परेशानियां दी हैं, अब आप सही पोजीशन में आकर खड़े हुए हैं, अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, बहुत संभाल कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको ऑफिस में, वर्क में, कहीं पर भी बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ से जैसे होता ना एक परिवार का माहौल मिलना ऑफिस में भी, तो वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, खुशियाँ मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो सरकारी जॉब वालों के लिए देख लिया, प्राइवेट सेक्टर का ये देखा मैंने, अब मैं देखूँगी जो लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी, जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए सबसे पहली बात, आप बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा ईगो है, चिड़चिड़ापन है, कोई परेशानियां हैं, किसी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो काम के मामले में अगर इतना गुस्सा, ईगो, एरोगेंट दिखाएंगे तो भाई काम कैसे करवाएंगे अपने लोगों से, तो थोड़ा सुधर जाइए। इन आउट की एनर्जी है, कभी आप गुस्से में आते हैं और ज़ोर से किसी को कुछ भी सुना देते हैं, गालियाँ बक दी, गुस्सा कर दिया, जबान ख़राब हो गई आपकी, तो भाई ऐसे में दिक्कत है, कभी बहुत अच्छा पेश आएंगे, कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है आपकी। तो देखिए ये सब तो है, इसको सुधारेंगे आप तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन इस महीने के मिड में आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका अच्छा हो सकता है, और मंथ लास्ट में एस ऑफ वांड्स, डिवाइन की तरफ से कोई आशीर्वाद मिल रहा है, और आपके जीवन में एक रीबर्थ का कार्ड आया, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है।
तो ये हो गया इस तरह से आपकी एनर्जी डिवाइन की आपके लिए काम को लेकर क्या गाइडेंस है। देखिए आप क्रिएटिव पर्सन हैं और आपने अपने अंदर अगर कुछ छुपाया हुआ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं काम को लेकर, आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, आगे जाके काम होगा। आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखिए एट ऑफ वांड्स, आप अपनी मंजिल की तरफ ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन समय लग सकता है। ये डिवाइन यहाँ पर आपको संदेश दे रहे हैं, जुलाई महीने में ही एकदम से सारे काम आपके हो जाएंगे, पर पॉजिटिव है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। अब लास्ट में मैंने कहा था कि आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालूंगी, कोई भी सवाल आपके मन में है जो यहाँ पर आपको आंसर ना मिल पाया हो तो आप अपने मन में एक सवाल ले सकते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, जहाँ के भी धर्म को मानने वाले हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, उनको अपने मन में आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपसे रेजोनेट हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और आपसे कहूँगी कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। आपने इस महीने में देखा, अगले महीने आप चैनल खोज रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर। तो देखिए मिथुन राशि वालों, आप में से अगर किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग है, करियर की रीडिंग है, कुछ भी आप करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फ्री में नहीं देखती हूँ, कुछ मिनिमम फीस है मेरी। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए कॉल करने के बजाय, तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। नंबर नोट कर लीजिए 9323135511, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके यस और नो के कार्ड की तरफ। हे स्प्रिट गाइड एंजल्स, हे गणपति पप्पा, मार्गदर्शन दीजिए, रास्ता दिखाइए, एक कार्ड निकालना है मुझे। देखिए ये थोड़ा नो का कार्ड है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी आई है, द डेविल की एनर्जी, तो ये मैं इसको यस तो नहीं कहूँगी, ठीक है। तो चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मिथुन राशि वालों आपके लिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।